तो हेलो गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अब से रेगुलर वीडियोस डालूंगा मेरे इस वाले अकाउंट पे। मतलब अभी तक मैं वो जो ABC वाला अकाउंट है उस पर वीडियो डाला करता था रेगुलर, जो भी मेरे डेली व्लॉग्स हैं। तो अभी से मैं मेरे इस ओरिजिनल अकाउंट पर आसिम साहब का पे ही डालूंगा। तो आपको आज से इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। कोशिश करता हूँ हर दिन आपको न्यू कंटेंट दिखाने के लिए। तो अभी उठ के थोड़ा फ्रेश हुआ, नाश्ता वगैरह किया, अभी नहाने जा रहा हूँ। तो नहा के फ्रेश होता हूँ और उसके बाद देखते हैं आज क्या करना है। तो अभी नहाने के लिए जो है पानी गर्म पे लगा दिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा पेड़ों को पानी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे है मेरे कुछ पेड़, फिर के मैं दिखाता हूँ कौन सा। तो ये वाला है लेमन, जो नींबू का है। उसके बाद ये टमाटर का है, ये चाय पत्ता, और यहाँ पे जो एलोवेरा है, और ये पपाई का। उसके बाद ये मैंगो का ट्री है। तो इनको पानी डालते हैं पहले तो, और उसके बाद आगे में यहाँ पे जो है ये फनस का पेड़ है, और उसके बाद ये फ्लावर का, इनको भी डालते हैं थोड़ा। और ये जो है ये बड़ा लेमन का पेड़ है, उसको भी थोड़ा पानी डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक मैंगो ट्री है, उसके बाद वो सीताफल का है, और वहाँ पे जो है पेरू का, ये वाला बड़ा वाला। तो सबको पानी डालता हूँ और फिर मिलते हैं। तो अभी ने सारे पेड़ों को पानी दे दिया है, और इतने सारे, एक छोटा जंगल ही था और ये जो था बहुत बड़ा था, इसको कट कर दिया हमने, और वहाँ पे जो इसकी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। तो अभी है बहुत सारे, एक दिन इंशाल्लाह ये सब कुछ साफ़ करके लूँगा, जो बहुत इसमें गंदा है, मतलब जो है कुछ भी फालतू भी है उठा उसमें, तो उसको साफ़ करके लेंगे एक दिन। अभी तो नहाने जा रहा हूँ मैं भी पूरा पसीने से, मतलब थोड़ा गीला वीला हो चुका हूँ, जाके नहाता हूँ, फ्रेश होके मिलता हूँ फिर। और अभी नहा धो के एकदम फ्रेश होके बैठा हूँ मैं, थोड़ी देर बैठेंगे, भूख लग रही है ज़ोर से, खाना खाएंगे और थोड़ा बाहर जाके घूमेंगे। और इंशाल्लाह आज मैं आपको कुछ तो मज़ेदार बना के दिखाऊँगा, खुद से कुक करूँगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बस एक अलग सा शौक चल रहा है, मतलब कुकिंग करने का। परसों मच्छी बनाया लास्ट वीडियो में, इस चैनल पे नहीं, उस चैनल पे मच्छी बनाया, और इंशाल्लाह चिकन बनाएंगे। तो पहले तो खाते हैं और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो अभी जस्ट पेड़ पर के खाना खा के बाहर निकला हूँ, थोड़ा जो है इंस्टा के रील्स बनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर यहाँ पर शॉप में बैठता हूँ और नीचे जा के वीडियो बना के आते हैं। हमारे टकलू के शॉप पे बैठा हूँ, मैं और सब मिलना, यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर टाइम पास करते हैं और उसके बाद नीचे चल के थोड़े रील्स वीडियो बनाते हैं। क्या खाने के? चिंगम ओवर खा ऐसी के तू। तो अभी उमर भी आया था, उससे थोड़ी बातचीत कर ली, और एक नंबर का फोटो कह रहे हो। ए चल पे वीडियो बना दे तू। तो अभी वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, रील्स वीडियो ना। तो अभी मैं, समीला और सोहेल तीनों जा रहे हैं, ये लगी घूम भी उनके वापस आया फुटेज के ओरिजिनल। तो अभी यहाँ पे थोड़ी इमली लेंगे और जाके वीडियो बनाते हैं। तो अभी मल्ले में आए हैं, मल्ला बोले थे हमारा छोटा गार्डन है विलेज में का, और ये है इमली। तो इमली खाते हुए थोड़े वीडियोस बनाते हैं, और मेरे सारे वीडियोस जितने भी यहाँ पर मैं बनाता हूँ वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर देखने के लिए मिलेंगे, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। तो अभी मेरे को यहाँ पर एक्सीडेंटली जो है मोर देखने के मिला है हमारे मल्ले में, तो आप सभी को दिखाता हूँ, रुकिए। तो वहाँ पे वो जो मोर है वो डांस कर रहा है, पिकॉक दिख नहीं रहा, अगर आगे जाऊँगा तो उड़ जाएंगे, रुकिए और ज़्यादा क्लियरली लेने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे देखो वो नाच रहा है, एक मोर है वहाँ पे, तीन चार है, यहाँ पे नहीं दिख रहे, बहुत दूर है, देख सकते हैं आप वहाँ पर हैं। और ज़्यादा मैं आगे आने की कोशिश करता हूँ, वो यहाँ से क्लियरली दिख रहे हैं, पता नहीं आपको कितने दिख रहे हैं, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, हाँ उसके छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, उनको खिला रहे हो। लो भाग गए, अभी डर गए हमसे, तो लो भाग रहे हैं हमसे डर के, हमने डरा दिया उनको। वहाँ पे देख सकते हैं अभी छोटे छोटे बच्चे हैं दो तीन, और यहाँ पे एक बड़ा वाला है और एक वहाँ पे है। अच्छा हुआ जल्दी आए, और मैंने देख लिया यहाँ पे भी कुछ तो था, भाग के गया अभी।
इंटरेस्टिंग जगह है हमारे गांव में। हम हमेशा जब भी फ्री होते हैं तो आके बैठते हैं यहाँ पे, और ये मेरे साथ भागते भागते यहाँ तक आए। तो अभी पिकॉक देख लिया, मोर देख लिया, पिकॉक बोलना अच्छा नहीं लगता, मोर ही अच्छा लगता है। और ये मेरे ऊपर जो है पूरे चीकू के पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, और तब से ये ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने का, इससे तो कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर बैठते हैं आराम से और उसके बाद वीडियो बनाते हैं और निकलते हैं। तो अभी तब से रील्स बनाया, देखो पत्थर मार रहा है मुंह में बैठे हैं, वीडियो बनाया और पोस्ट भी कर दिया, और हम सब लोग बैठे हैं। अभी थोड़ी देर बैठूंगा ऐसे इनके साथ टाइम पास करते हुए, इसको तब से बता रहे हैं अम्ली लाने के लिए। अगर ये समझ लेना, अगर इसने अगर अम्ली ला के दी तो ये अगली फुटेज में रहेगा, वरना इसको निकाल दूंगा। तो अभी दोपहर के 6 बज रहे हैं, तब से घर पे था, अभी चाय पी के थोड़ा मार्केट में जा रहा हूँ, मतलब गाँव में जा रहा हूँ, तो मार्केट नहीं गाँव में जा रहा हूँ। गाँव में जाके जो है पहले तो चिकन लेके आते हैं और उसकी एक अच्छी रेसिपी दिखाऊंगा आज। तो अभी चिकन शॉप पे आया हूँ और चिकन लेके चलते हैं घर पे। और बस लगता जवाब, तो अभी चिकन भी ले लिया है मैंने, अभी चलते हैं घर पे और दिखाता हूँ। तो अभी चिकन लेके वापस मैं घर पे आया हूँ, अंदर चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि आज मैं इसे क्या बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं घर पे आया हूँ और घर पे आके जो है बनाना है उसका प्रिपेयर करके लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं उसको तैयार करता हूँ और उसके बाद कुक करते हैं। तो मैं किस तरह से उसको रेडी करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ रियर कैमरे में। तो अभी मैंने जो है बोनलेस पीसेस लाए थे वहाँ से और अच्छी तरह से साफ करके ले लिया सबको उनको। इसमें अभी हम क्या करेंगे, एक आधा पूरा कटा हुआ नींबू डालेंगे इसको इसी तरह इसमें। इसके बाद इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ा नमक डालेंगे एकदम थोड़ा, जितना हमको चाहिए टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो मैंने मेरे हिसाब से लिया है, मतलब जितना चिकन है उसके हिसाब से मैंने इसमें हल्दी पाउडर नमक डाला है। आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास 5-6 किलो चिकन है तो आप डाल सकते हैं किलो किलो भर हल्दी। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिला के आधे घंटे के लिए रख देता हूँ। अभी इसको ऑलमोस्ट सबको लग चुका है, सब चिकन के पीसेस को मैंने लगा दिया है हल्दी पाउडर, और इसको आधे घंटे के लिए बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देना है, और तब तक हम दूसरा अपना जो इस पर लगाने का डो है वो रेडी करते हैं। तो अभी वो चिकन पे लगाने के लिए जो पेस्ट मैं इसमें रेडी करूँगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं दही ले रहा हूँ, और उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर का आटा डालेंगे, और उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डालेंगे, और इसमें हम जीरा और धनिया पाउडर डालेंगे, और उसके बाद ये जो है एवरेस्ट का मसाला है, एवरेस्ट चिकन मसाला, वो डालेंगे, और उसके बाद इसमें हम चिकन 65 का जो मसाला है वो भी मैं टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ, आप चाहिए तो डाल सकते हैं। चिकन 65 का जो मसाला है वो डाल रहा हूँ टेस्ट के लिए, और इसमें लास्ट में हम डालेंगे ये जो लाल मिर्च है, इसके कलर के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, मैं बस नॉर्मल ले रहा हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं, अभी इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके लूँगा सबको, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद चिकन के पीसेस को जो हमने तब तक के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा है ना उसको इसमें मिलाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, मैंने इसमें थोड़ा वो कलर डाला है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैंने वो जो मछली फ्राई की है उसमें जाके देख सकते हैं आप, मैंने यूज़ किया है वहाँ पे कलर, वहाँ पे मैंने डिब्बा दिखाया हो। तो अभी इसमें जो है तब से मैंने रखे थे ना मैरिनेट के लिए, वो पीसेस इसमें ऐड करते हैं और इन सारे पीसेस को जो है ये लगा के लेते हैं अच्छी तरह से, सारे पीसेस में डाल देते हैं इसे और लगा के लेते हैं। तो मैंने सारे पीसेस को अच्छे से लगा दिया है
और इसको भी जो है डीप में रख देंगे पूरे एक घंटे के लिए। तो जब तक वो मैरिनेट हो रहा है चिकन, तब तक हम क्या करेंगे, इन लकड़ियों से मैंने इस तरह का बॉक्स तैयार करके रखा है तेल का, इसमें जो है लकड़ियों को डालकर आग लगाएंगे और बाद में उस चिकन को इसी पे ही भुनेंगे। अभी जो आग है वो बहुत ही अच्छी तरह से लग चुकी है, तो इस पर मैंने जो ये डीमार्ट से लाया था मैंने ऑलरेडी, मतलब बहुत पहले ही, तो ये वाली जाली है तो इस पर इस तरह से रख दूंगा। और इस पर हम अभी जो चिकन के पीसेस हैं जो यहाँ पे हैं, आग तो बहुत ज़्यादा ही होगी, मेरे को थोड़ी कम लकड़ियाँ डालनी चाहिए थी। तो अभी जो ये पीसेस हैं मैंने निकाल लिया बाहर, पूरा जो पीसेस को है अच्छी तरह से लग चुका है, तो ये पीसेस को उसमें डाल के भून देंगे सब कुछ। तो अब ये मैंने ऑलरेडी क्या किया कि सारी लकड़ियों को जो आग लगा के उसको ऐसे कोलसे में बना दिया, मतलब कोलसे तैयार किए और उस पर अभी भून रहा हूँ, मतलब उसमें जो है धुएं की स्मेल वगैरह नहीं आएगी। अभी इसे आराम से धीमी धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो अभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से सारे पीसेज जो हैं भुन रहे हैं, तो ये अच्छा वाला कबाब बन चुका नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा पकना बाकी है। मैंने आंच नहीं लगाई, मतलब आग नहीं लगाया, बस जो है ये कोलसों पर भुन रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी जाली नहीं है तो आप जाली ला सकते हैं, सिर्फ इसमें मिलती है स्टोर में, वो जाली सिर्फ मिलती है, वो भी ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, अभी टेस्ट करके देखते हैं थोड़ी देर में। तो अभी ये अच्छी तरह से पक चुके हैं सारे पीसेस, अभी इसको प्लेट में निकालते हैं, यहाँ पे प्लेट में निकाल के टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। अभी इतना बाकी है, पहले टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी ये सारे पीसेस अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं आराम से टूट रहे हैं, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से मतलब पूरा भुन चुका है, थोड़ी जगह से जला हुआ है लेकिन कोई नहीं, टेस्ट अच्छा आ रहा है, बस खाते जाने का दिल कर रहा है, रुकने का दिल ही नहीं करता, अच्छा बना है। तो आप भी ट्राई करना घर पे, अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में तब आके कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो। तो अभी ये खाता हूँ और ख़त्म करता हूँ, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।